सभी का मेरे आज की फ्रेश वीडियो में। और अगर आप अपनी वीडियो के नीचे से कुछ इस तरीके की स्लाइडिंग लाइन लिखवाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी फ्लोटिंग कीवर्ड को लिखना चाहते हैं, तो उनको आप कैसे लिख सकते हैं। काइन मास्टर की एप्लीकेशन के अंदर आपको ऑप्शन मिलती है एनिमेशन की, जिसके बाद जिसको यूज करने के बाद आप किसी भी कीवर्ड को कुछ इस तरीके से स्लाइड करवा सकते हैं, या फिर फ्लोटिंग कीवर्ड्स को आप लिख सकते हैं, इधर से उधर जाने वाले कीवर्ड्स को आप लिख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी चीज के बारे में बताने वाला हूँ, स्लाइडिंग कीवर्ड्स को कैसे आप लिख सकते हैं, स्लाइडिंग लाइन को कैसे आप लिख सकते हैं। आपने बहुत सारी न्यूज चैनल्स के अंदर देखा होगा, नीचे से जाती रहती है एक लाइन जिसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी होती है, या फिर आपने बहुत सारे चैनल्स के ऊपर देखा होगा जो जिन्होंने लिखा होता है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ऐसी चीजें जो है उस लाइन के अंदर लिखी होती है, तो वो बार बार जो है बोल के नहीं करते, बस वो लाइन बार बार रिपीट होती रहती है। तो इस काम को आप कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के ऊपर काइन मास्टर की एप्लीकेशन के साथ, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस ना करें। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया काइन मास्टर को, और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने काइन मास्टर के अंदर रनिंग टेक्स्ट को कैसे लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और आप अपने काइन मास्टर के अंदर फ्लोटिंग कीवर्ड्स को कैसे लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसके बारे में पूरा प्रॉपर वीडियो होने वाला है। अगर आपको एनिमेशन की यूज करने को नहीं आती है तो ये वीडियो आपके लिए कुछ ज्यादा ही हेल्पफुल हो सकता है, तो वीडियो को आप पूरा प्रॉपर जरूर देखें। तो दोस्तों अगर आप अपनी वीडियो के अंदर रनिंग कीवर्ड्स को लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको वहाँ पे चले जाना है जहाँ पे जो है आप रनिंग कीवर्ड या फिर फ्लोटिंग कीवर्ड को लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरे को अपना एक रनिंग कीवर्ड को लिखना है, नीचे जो लाइन आ रही थी पहले आपने देखा होगा वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर, तो वो लाइन जो है मेरे को यहाँ पे लगानी है। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले लेयर के ऊपर जाना पड़ेगा, उसके बाद टेक्स्ट के ऊपर आपको चले जाना है। टेक्स्ट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक दो डॉट आपको लिख लेने हैं, उसके बाद बहुत बार जो है आपको स्पेस लगा लेना है, उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डॉट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको चले जाना है राइट साइड के अंदर सबसे नीचे वाली ऑप्शन के ऊपर, सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगी बैकग्राउंड की, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे एक और ऑप्शन जो है ओपन हो जाएगी फुल विड्थ बैकग्राउंड, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक लाइन यहाँ पे आ जाएगी। तो इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप रेड ब्लू व्हाइट ग्रीन कोई भी कलर जो है आप ले सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के ऊपर क्लिक करने के बाद जो कलर आप यूज़ करना चाहें वो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस लाइन की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, इसको और ज़्यादा डार्क करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैपेसिटी वाली एक ऑप्शन मिलती है, इसके ऊपर आप क्लिक करके जो है कैपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लगभग इतनी रखूँगा, तो यहाँ पे जितना ज़्यादा आप रखना चाहें उतना ज़्यादा आप रख सकते हैं, जितना कम रखना चाहें उतना कम रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा पतली है, तो आप इसको इस डॉट का साइज़ बड़ा करने के बाद आप जितना चाहे उतना मोटा इस लाइन को कर सकते हैं, तो जितना छोटा रहे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे जहाँ पे आप रखना चाहें वहाँ पे आप रख सकते हैं, मैं लगभग इतना ही इसको रखूँगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, जो भी आप टेक्स्ट रन करवाना चाहते हैं वो आपको अब लिखना है। तो लेयर के अंदर मैं चला गया, लेयर के अंदर टेक्स्ट के अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहें वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो है मैंने इस लाइन को लिख लिया है, अब यहाँ पे जो है इसी लाइन को जो है मैं आपको रन करवा के दिखाने वाला हूँ। तो कैसे आप रन करेंगे, तो उसके लिए जो है सबसे पहले आपको एनिमेशन की को यूज़ करना पड़ेगा, चाहे आप कोई फोटो यूज़ कर रहे हो या फिर आप कोई टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो, आपको कोई भी ऑप्शन इन एनिमेशन के अंदर आउट एनिमेशन के अंदर नहीं मिलती है, आपको ऑप्शन यहाँ पे खुद बनानी पड़ेगी, मतलब खुद उसको एनिमेट करना पड़ेगा किस तरीके से वो उसको काम करना है। तो जिन लोगों को एनिमेशन की यूज़ करनी नहीं आती है तो वो इस वीडियो को इस पार्ट को बहुत ही अच्छे से देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप इस टेक्स्ट को और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप यूज़ करना चाहते हैं, आप इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो फॉन्ट स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे दिए गए हैं, एक मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया। लेकिन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बेल आइकन जो है नीचे आ चुका है यहाँ पे, तो बेल आइकन यहाँ पे अगर आपकी लाइन कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाती है और आपका कोई भी टेक्स्ट दूसरी लाइन के अंदर आ जाता है तो वो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, क्योंकि आप इसको एक सिंगल लाइन के अंदर उसके बाद नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको ये जो नीचे वाली लाइन के अंदर आया होगा वो आपको अलग से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं टेक्स्ट यूज़ नहीं करूँगा तो मेरी एक ही लाइन के अंदर सब कुछ आ रहा है, तो ये मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आपको दूसरी लाइन के अंदर आ रहा है, बहुत बड़ी लाइन आपने लिख ली है, तो उसको आधा आधा करके आप लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो उन दोनों ही टेक्स्ट को कैसे आप एक साथ रन करवाएंगे, तो उसके बारे में जो है यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ अच्छे तरीके से, वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए। अब यहाँ पे अगर आप कोई इन एनिमेशन आउटर एनिमेशन जो है आपको नहीं लगाना है, कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो काम है वो है आपकी एनिमेशन की का। आपको इस वाली क्लिप को जो है सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद एनिमेशन की के अंदर आपको चले जाना है।
एनिमेशन की के अंदर आने के बाद यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर एक डॉट बन जाएगा, उसके बाद आपको लास्ट के अंदर एक और डॉट बनाना है। यहाँ पे आप इसको हिला के डॉट बना सकते हैं या फिर यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करके भी आप डॉट बना सकते हैं। उसके बाद क्या करना है कि आपको एंड पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि कहाँ पे जो है आपका जो टेक्स्ट है वो एंड होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको जो है आपको बिल्कुल साइड में लेकर चले जाना है, लेकिन एक बात का ध्यान दें कि जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं वो बिल्कुल डार्क लाइन के बिल्कुल सेंटर के अंदर जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है इसको मैं लेकर चला गया, अब एंड पॉइंट जो मेरा यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद जो है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बनाना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट भी आपको बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है, स्टार्ट होने के लिए बिल्कुल सेंटर लाइन के अंदर ये आना चाहिए। अब जो है मैंने यहाँ पे इसको सेट कर लिया है, अब उसके बाद यहाँ पे एक बार प्ले करके आपको मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कैसे जो है आप रनिंग टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर आप इसकी स्पीड को कम ज्यादा करना चाहते हैं तो आपको इस टेक्स्ट की स्पीड भी ज्यादा करनी पड़ेगी, मतलब इसकी ड्यूरेशन को आपको ज्यादा करना पड़ेगा। जितनी ज्यादा ड्यूरेशन होगी उतनी स्लो जो है इसकी रनिंग स्पीड भी होगी, जितनी ज्यादा ड्यूरेशन कम रखेंगे उतनी ज्यादा स्पीड बनेगी। तो यहाँ पे लगभग जो है मैं इसी स्पीड के ऊपर इसको रख लेता हूँ, लगभग 6 के आसपास। उसके बाद यहाँ पे जो है मेरे को एक और रनिंग कीवर्ड लगाना है, तो मैं ऊपर वाली ब्लैक लाइन का जो ड्यूरेशन है उसको ज़्यादा कर लेता हूँ, लगभग 16 15 20 25 तक मैं इसको ले गया। इसके अंदर मैं बहुत सारे रनिंग कीवर्ड्स को लगाने वाला हूँ। अब ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप कोई दूसरा कीवर्ड लिखना चाहते हैं, मान लीजिए इस लाइन के अंदर जो है आपका पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं आता है, तो आप अगला कीवर्ड को कैसे लिखेंगे, अगले कीवर्ड को कैसे जो है आप बिल्कुल एक ही लाइन के अंदर लगाएंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि गैप कितना आपको चाहिए, गैप चाहिए या नहीं चाहिए। तो लगभग जो है मैं इतना गैप जो है अपने टेक्स्ट के अंदर रखूँगा। तो उसके बाद यहाँ पे लेयर के अंदर जाने के बाद टेक्स्ट के ऊपर चले जाना है, और जो भी टेक्स्ट आप उसके बाद इस लाइन के बाद लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको लिख लेना है। नेक्स्ट वाला टेक्स्ट को लिख लिया है, उसके बाद यहाँ पे शेडो को भी मैंने बंद कर लिया। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल सेम वही काम करना है, आपको चले जाना है एनिमेशन की के ऊपर। स्टार्टिंग पॉइंट जो है यहाँ पे अभी है, हमें जाना है एंड पॉइंट के ऊपर। एंड पॉइंट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जो है इसको एंड पॉइंट के ऊपर आपको रख लेना है। आपको ध्यान देना है बिल्कुल बिल्कुल सेम सीधी लाइन के अंदर जो है एंड पॉइंट आपका आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट आपको बिल्कुल उसी तरीके से रखना है। तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो बिल्कुल यहाँ पे दिखना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सेट हो चुका है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। अब यहाँ पे मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कितना सही तरीके से ये मैच हुआ होगा और कितना सही तरीके से ये मैच नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे प्ले करके देखते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया कैसे जो है आप इस तरीके से कीवर्ड्स को लिख सकते हैं। ऐसे ही आपको आगे भी करना है, जितना स्पेस आप इस लाइन के बीच में रखना चाहते हैं नेक्स्ट लाइन के अंदर उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट कीवर्ड लिखना है। मान लीजिए इतना स्पेस जो है मेरे को अपनी नेक्स्ट वाली लाइन के लिए चाहिए, तो इसके बाद जो है मैं कोई भी नेक्स्ट टेक्स्ट को लिख सकता हूँ। जैसे तो यहाँ पे मैंने लिख लिया फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो यहाँ पे मैंने शेडो को बंद किया। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे नीचे चले जाना है आपको एंड पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले जो है एंड पॉइंट को सेट कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद जो है आपको स्टार्टिंग पॉइंट सेट करने में तकलीफ हो सकती है। बिल्कुल आपको ध्यान से इसको करना है कि बिल्कुल सेंटर लाइन के अंदर ये जाए। आप यहाँ पे इसको चेक भी कर सकते हैं, इस तरीके से आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल एंड पॉइंट के ऊपर ये जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर में आ गया। अब उसके बाद दोबारा से आपको बिल्कुल यही काम करना है, इसको बिल्कुल अच्छे से आपको सेट कर लेना है, ये दिखना चाहिए आपने कहाँ पे सेट किया है। उसके बाद अब एक बार फिर मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कैसे ये दिख रहा है। अब बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है कि जो फ्लोटिंग कीवर्ड्स आते हैं उनको कैसे लिखते हैं। तो फ्लोटिंग कीवर्ड्स को भी मैंने यहाँ पे बोला है कि फ्लोटिंग कीवर्ड्स कैसे लिखेंगे। तो वहाँ पे जो है मैं आपको फ्लोटिंग कीवर्ड सेट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरे को एक फ्लोटिंग कीवर्ड लगाना है। तो फ्लोटिंग पिक्चर भी आप लगा सकते हैं, कोई कीवर्ड लिख के भी लगा सकते हैं, काम यहाँ पे सिर्फ एनिमेशन की का ही होगा। और तो यहाँ पे जो है मैंने सब्सक्राइब वाले बटन को ले लिया है। अब यहाँ पे सब्सक्राइब बटन को जो है मैं फ्लोट करके आपको बताऊंगा कैसे जो आप फ्लोट कर सकते हैं। काम यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ एनिमेशन की का ही है। अगर आपको एनिमेशन की अच्छे से यूज़ करना आ गई तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से जो है एनिमेशन की के साथ कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनिमेशन की के अंदर चले जाना है।
एनिमेशन की के अंदर आने के बाद सिंपली जो है यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट आपको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपको पॉइंट सेट कर लेना है कि कहाँ पे जो है आप नेक्स्ट पॉइंट रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ले गया, डॉट अपने आप क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे ले गया। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे मेरे को रखना है वो मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। अब यहाँ पे जो है मेरा नेक्स्ट वाला पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट यहाँ पे हो गया तो उसके बाद यहाँ पे एंड पॉइंट आपका कहाँ होगा, एंड पॉइंट जो है मैंने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे एंड पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा मैंने इसका साइज़ बड़ा कर लिया। साइज़ बड़ा करने के बाद यहाँ पे जो है मेरे को एक और डॉट चाहिए, मतलब यहाँ पे जो है एक और डॉट मैंने कर लिया। अब इसका साइज़ मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब साइज़ बड़ा करने के बाद यहाँ पे मैंने बहुत सारे डॉट लगा लिए, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट मैंने यहाँ पे लगा लिए। तो एनिमेशन की किस तरीके से काम करती है, कितने अच्छे तरीके से काम करती है, वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख लिया आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है एनिमेशन की काम करती है, लेकिन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से जो है आप अपनी एनिमेशन की के साथ कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे जो है आप स्लाइडिंग कीवर्ड्स को लिख सकते हैं, फ्लोटिंग कीवर्ड्स को आप कैसे लिख सकते हैं, एनिमेशन की को आप कैसे बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं। काफी सवाल मेरे को जो है इसके रिगार्डिंग आ रहे थे कमेंट्स के अंदर, एनिमेशन की को कैसे यूज करें। तो आप इस वीडियो को दोबारा से एक बार देख ले, अगर आपको कुछ चीजें समझ नहीं आई है तो दोबारा से देख ले, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कैसे आप एनिमेशन की को यूज कर सकते हैं, एनिमेशन की कैसे काम करती है। तो अगर आपको कोई सवाल है काइन मास्टर से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, या फिर अगर आप ऐसी किसी और ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता दीजिए। मैं सभी कमेंट पढ़ता हूँ, सभी कमेंटों को मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।